वेलकम बैक वंस अगेन गाइस। सिस्को की ट्रेनिंग में CCNA हमारा जारी है और स्विचिंग मॉड्यूल के ऊपर हम बात करें और आज का टॉपिक VLAN का है। तो गाइस VLAN को डिस्कस करने से पहले ये जरूर जान लिया जाए कि VLAN आखिर इम्पोर्टेंट है क्यों, इसका फायदा क्या है। फर्ज कीजिए हमारे पास स्विच है, स्विच के साथ मुख्तलिफ कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं और ये स्विच कनेक्टेड हमारे दूसरे स्विच के साथ। अच्छा, अगर किसी कंप्यूटर ने कभी भी किसी दूसरे कंप्यूटर से बात करनी है तो फर्स्ट टाइम क्या होता है, आपको मालूम है कि वो ब्रॉडकास्ट करता है। अच्छा, ब्रॉडकास्ट में क्या होगा कि जितने सारे कंप्यूटर्स हैं इनके दरमियान ये जो नेटवर्क है, जब ब्रॉडकास्टिंग इन सारे कंप्यूटर्स में होगा तो ये कहलाता है ब्रॉडकास्ट डोमेन, यानी वो एक डोमेन के अंदर ब्रॉडकास्ट कर देगा। अच्छा, अगर ये ब्रॉडकास्ट कम कंप्यूटर्स में हो, यानी 100-200 की तादाद में कंप्यूटर्स हों, तब तो इतना बड़ा इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तब क्या, जब आपकी कंपनी लार्ज हो, जब आपकी कंपनी में 1000-2000 कंप्यूटर्स हों या इससे भी ज़्यादा, तो ब्रॉडकास्टिंग में क्या हो सकता है कि टाइम आ सकता है। और ब्रॉडकास्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब ब्रॉडकास्टिंग हो रही होती है तो उस दौरान हम ना डेटा भेज सकते हैं और ना डेटा रिसीव कर सकते हैं। अगर इसकी एग्जांपल हम बैंक से लें, कोई भी बैंक है, कोई भी इदारा है, वहाँ पर अगर ब्रॉडकास्टिंग हो रही है 1000 कंप्यूटर में और 5-10 मिनट के लिए इंटरनेट बंद हो जाता है और उस 5-10 मिनट के अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स रुक जाती हैं, पैसों के मामला रुक जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि बैंक को कितना नुकसान हो सकता है सिर्फ इस नेटवर्क के डिसएडवांटेज की वजह से। तो ऐसे में क्या होगा कि ये सॉल्यूशन नहीं है। या इसके अलावा गाइस फर्ज कीजिए आपके पास कोई डिपार्टमेंट्स हैं और यहाँ पर हमने मिनी स्विचेस लगाए ताकि आपको किताबों की डायग्राम भी अंडरस्टैंड हो, आपके पास मुख्तलिफ स्विचेस हैं, ठीक है ना, और उस स्विच से एक डिपार्टमेंट जो है आपका पब्लिक डिपार्टमेंट है, जहाँ लोगों को आना जाना है, फर्ज कर रहे हैं वहाँ कोई भी आ सकता है, कोई भी कंप्यूटर यूज़ कर सकता है, और जबकि अंदरूनी कंपनी में कोई डिपार्टमेंट आपके सर्विसेज डिपार्टमेंट है, जहाँ आपके कॉल सेंटर हो सकते हैं, जहाँ आपके एजेंट्स काम कर रहे हो, जहाँ आप कस्टमर सर्विसेज दे रहे हो, वो सब जो भी कंपनीज में होता है नॉर्मली। अब अगर आपके पब्लिक डिपार्टमेंट में कोई हैकर, कोई नामालूम शख्स, कोई अटैकर, कोई अनॉनिमस आए और वो अटैक करे, तो वो आपके इस वाले स्विच से कनेक्ट होने के बावजूद वो आपके अगले वाले स्विच तक जा पाएगा, क्योंकि नेटवर्क तो एक ही बना हुआ है, वो तो रास्ता सारा वही है। तो अगर वो ऐसा कर पाया तो इसका मतलब ये है कि दूसरे वाले नेटवर्क, यानी दूसरे वाले डिपार्टमेंट का जो स्विच है, उनसे तो वो तमाम कॉल सेंटर के एजेंट्स काम कर रहे हैं, वो तमाम कंप्यूटर्स लगे हुए कंपनी में, तो वो सारों के अंदर कोई ना कोई इशू आ सकता है। अगर ये अटैकर चाहे तो उनका डेटा भी निकाल सकता है, क्योंकि हैकर्स का तो काम ही यही होता है कि नेटवर्क में दाखिल होकर, इंटर होकर वो तमाम चीज़ें रिसीव कर सकें। तो हो सकता है कि आपके जो कस्टमर सर्विस एम्प्लॉयज़ हैं उनके कंप्यूटर्स में कोई प्रॉब्लम आए, कोई वायरस आ जाए, वो कोई अटैक कर दे, उनका डेटा लीक कर जाए, तो ये एक सॉल्यूशन नहीं है। तो दो बड़े प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं, एक ये कि एक ब्रॉडकास्टिंग हम कंट्रोल करना चाहते हैं, दूसरा हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, हर डिपार्टमेंट के लिए हमें एक अलग सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे पास एक टॉपिक है VLAN का, जिसे सिस्को ने वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क एक डिज़ाइन दिया। गाइस VLAN का कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा ये है कि ये क्या करता है, एक फिजिकल स्विच को लॉजिकली डिवाइड कर देता है। गाइस फर्ज करें अगर आपके पास एक स्विच है जो कि दिखने में एक है और इसके साथ लेट्स सपोज हमने 4 कंप्यूटर कनेक्ट करें, तो हम इन दो को VLAN 10 में रख देते हैं। VLAN का कोई भी नंबर दे सकते हैं आप, फिलहाल ये ध्यान में रखिए कोई भी नंबर दे दें। फर्ज करें मैंने VLAN 10 में इन दो कंप्यूटर्स को रख दिया और VLAN 20 में हमने इन कंप्यूटर्स को रख दिया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि VLAN 10 जो है वो बिल्कुल एक अलग ग्रुप बन गया और VLAN 20 जो है ये बिल्कुल एक अलग ग्रुप बन गया, जिससे ये होगा कि VLAN 10 वाले कंप्यूटर्स 20 वाले कंप्यूटर से बातचीत नहीं कर पाएंगे, ना डेटा भेज पाएंगे ना रिसीव कर पाएंगे, जबकि दोनों एक ही स्विच पर हैं। तो इससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि लॉजिकली डिवाइडेड कर देता है दो नेटवर्क, दो सेपरेटेड नेटवर्क्स में खासकर, राइट गाइज। जिसका पहला एडवांटेज, अगर VLAN 10 के कंप्यूटर में कोई ब्रॉडकास्ट होगा तो वो जस्ट VLAN 10 की हद तक रहेगा, 20 को डिस्टर्ब नहीं करेगा, और जबकि 20 में कोई ब्रॉडकास्ट होगा तो वो VLAN 20 में ही होगा, 10 में डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो VLAN के बेनिफिट्स क्या है कि ब्रॉडकास्ट कंट्रोल करता है और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अब फर्ज करें आपके पास कोई अटैकर VLAN 10 वाले नेटवर्क में आता है और वो अटैक करना चाहता है दूसरे वाले डिपार्टमेंट तक, फर्ज करें अगर ऐसा हो भी जाता, कोई अटैकर आ गया और उसने कनेक्ट कर लिया आपके VLAN 10 वाले जगह से, तो वो VLAN 20 से बात ही नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए तो प्रॉब्लम आ गई, और ऐसे आपकी कंपनी में कम हिस्सा मुतासिर होगा उस हैकर के अटैक से, ना कि पूरी कंपनी। तो ये एक सिक्योरिटी वाली बात भी है। तो VLAN के जो बेनिफिट्स हैं वो खासकर पहले तो ब्रॉडकास्ट कंट्रोल कर रहा है और फिर सिक्योरिटी भी हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो जितनी भी VLANs होती हैं उनका सेपरेट नेटवर्क होता है और सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन नेटवर्किंग है, यानी जो भी ब्रॉडकास्टिंग है वो सेपरेटली है। और दो किस्म के VLANs हैं हमारे पास, एक एंड टू एंड VLAN और एक लोकल VLAN।
गाइज एंड टू एंड वीलैन जो है सिंपल आप समझ लें, आपके पास दो स्विचेज हैं, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं और उन दोनों स्विचेज के साथ मुख्तलिफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। यहाँ पर क्या हुआ, वीलैन 10 है और वीलैन 20 है, दोनों स्विचेज पर बनी हुई हैं। एंड टू एंड वीलैन में क्या होगा, जो वीलैन 10 और वीलैन 10 है ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी अगर वीलैन 10 अगर किसी कंप्यूटर से बात करना चाहे उस वाले स्विच पे, तो वीलैन 10 कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर, यानी जो सेम वीलैन्स हैं वो आपस में बातचीत कर सकते हैं। आप चाहें वो दो स्विचेस पे आप बनाएं, चार पे बनाएं, सिंगल पे बनाएं या हजार पे बनाएं, आपकी मर्जी। वो आपस कंप्यूटर्स, वो जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो लॉजिकली डिवाइड होकर एक फिजिकली इन्वायरमेंट को बना लेंगे। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक लगे, लेकिन वो दोनों कंप्यूटर्स या डिपार्टमेंट्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेम एज इट इज वीलैन 20 और वीलैन 20 बातचीत कर सकते हैं। इस वीलैन को कहते हैं हम एंड टू एंड वीलैन। और एक छोटी सी लाइन में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अ सिंगल वीलैन कैन एग्जिस्ट ओवर मल्टीपल स्विचेस। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं लोकल वीलैन के। गाइस फर्स्ट कीजिए, स्विच एक कनेक्टेड है, हमारे स्विच 20 है और यहां पर वीलैन 50 है और यहां पर वीलैन 100 है, यानी दोनों अलग अलग वीलैन्स हैं, तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो अदर वीलैन्स कैन नॉट कम्युनिकेट ईच अदर, जैसे कि 50 से 100, तो इसे कहते हैं हम लोकल वीलैन। ऑलराइट गाइस, चले कुछ नेक्स्ट बातें और जानते हैं। हमारे पास जो स्विच है, सिस्को के जितने भी स्विचेज हैं उन पे ऑलरेडी एक वीलैन 1 इनेबल्ड होता है खुद ब खुद, जिससे ये फायदा होता है कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर बाय डिफॉल्ट, क्योंकि सारे के सारे वीलैन 1 का हिस्सा होते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके अगर फर्ज करें कोई डिपार्टमेंट्स हैं कंपनी में, आपके स्विच लगा हुआ है और स्विच कनेक्टेड है आपके तमाम कंप्यूटर्स है और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, लाइक फर्ज करें ये एचआर का डिपार्टमेंट है, तो आप उसे वीलैन 10 के साथ उसका नाम भी दे सकते हैं। ऐसे आपके पास वीलैन 20 आपने बनाया जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स के कंप्यूटर हैं सर्विस डिपार्टमेंट के, तो आप उस वीलैन 20 को नंबर के साथ साथ उसे नाम भी दे सकते हैं। तो ऐसे हम क्या करते हैं, आसानी से मैनेज कर सकते हैं अपने तमाम कंप्यूटर्स के डिपार्टमेंट्स को कि कौन सा एचआर डिपार्टमेंट है, कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट है, और उनके वीलैन्स के नंबर से हम उन्हें सिस्को में इनेबल रखते हैं कि 10 के कंप्यूटर्स 10 से कम्युनिकेट करें जबकि 20 के 20 से। तो ये वीलैन्स का कॉन्सेप्ट है जो कि इतना आसान नहीं है, हम अगर देखा जाए किताबों में पढ़कर तो उसे एक आसान तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो। तो गाइस एक थ्योरी और छोटी सी, स्विच पोर्ट को डिस्कस करके इन वीलैन्स को बनाना सीखते हैं। तो गाइस मिलते हैं फिर उस नेक्स्ट वीडियो में।